सर काट के कर दीजिए सिद्धू के हवाले, हंस हंस के कह रहे हैं मेरे जख्मों के शाले। मैं अमानत हूँ गरीबों की बचाले मेरे नानक, मैं अमानत हूँ गरीबों की बचाले मेरे नानक, सिद्धू की तरह कोई मुझे बेच ना पाए। सरहद से भागा हुआ सिपाही और घर से भागी हुई औरत पे कभी सम्मान नहीं पा सकते। आ कभी भी ये स्थिरता वाला व्यक्ति नहीं है, न विश्वसनीय व्यक्ति है कि ये संतोषी आदमी नहीं है। इसको मन में कभी भी संतोष नहीं रहा, नंबर वन। नंबर दो, इसको गुस्सा बहुत आता है और अहंकार बहुत ज्यादा है इसके पास। ये महिलाओं के प्रति कभी सम्मानजनक बातें करता ही नहीं है, कभी किसी को मुन्नी कह देता है, कभी शीला की जवानी कह देता है, कभी कहता है कि कोई आवत है कोई जावत है बाकी सब मलिका शेरावत है। देखिए क्या है कि ये अकालियों के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं, नाराजगी के कई कारण होते हैं। महत्वाकांक्षा ज्यादा जो है इनके दिल में वो पूरी नहीं हो पाती है तो आदमी फड़फड़ाता है। दूसरा ये है कि ये अभी जाके वहाँ बोलते हैं भाग बादल भागी, मेरे को तो भाई अच्छा नहीं लगता। मैं तो सिद्धू साहब से कहूँगा, वो हमारे बुजुर्ग हैं 84 ईयर्स, और पूरा देश क्या पूरी दुनिया उनको नमन करती है। हम हाथ जोड़ के उनका स्वागत भी करते हैं दिल में। मैं तो भाई बादल साहब को बहुत प्रेम करता हूँ, ये भी कहता था, मुझे ही कहा है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ, मेरा किरदार है। और किसी ने शायद कहा भी है कि सरहद से भागा हुआ सिपाही और घर से भागी हुई औरत फिर कभी सम्मान नहीं पा सकते। दूसरा ये है कि आज इन्होंने कहा इंटरव्यू में कि साढ़ा हक इतने रख, साढ़ा हक इतने रख, लेकिन हम फकीर हैं, भगवान फकीर मेरा नाम है, मैं फकीर लिखता हूँ। और मैं तो कहता हूँ 11 साल में जो मैंने आपको करोड़ों रुपए की शायरी दी, जिसकी कीमत ही नहीं है ना, जो प्रेम से दिया जाता है उसकी कोई कीमत नहीं हो। तो सिद्धू जी जब मेरी शायरी की, पहले मैंने उनको जब सिखाने की कोशिश की तो सर फोड़ लिया मैंने, ये सीख नहीं पा रहे थे। फिर मैंने कहा उनको कि आप तो एक काम करो, मैं जिस स्टाइल में पढ़ता हूँ उसको आप कैच करो, मेरी कॉपी करो। और कॉपी करके आज वो शायरों का बादशाह हो गया, हो गया तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा एक शेर उनको बहुत पसंद आता था कि जो मैंने सचिन तेंदुलकर के लिए लिखा था, जिस दिन नर्वस 90 में सचिन तेंदुलकर साहब जब सेंचुरी मारी थी 15 शायद नर्वस 90 के बाद, तो सिद्धू जी का फोन आया, बोले यार भगवान दास जी एक काम कीजिए ना, मुझे एक बहुत बढ़िया शेर बना के दो, मैं टीवी पे जा रहा हूँ। तो थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, इरादों में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखना, तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है, तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखना। तो ये तेंदुलकर की जी लिखी थी। एक बार वो उनको टीवी पे बुलाया गया, जिस दिन आपको याद हो श्री संत के लिए हरिभजन सिंह ने जिसको थप्पड़ मार दी थी, तो मेरे को बोले यार इस पे भी शायरी दो। अरे मैंने कहा यार इस पे कैसे शायरी दूं, मैंने कहा चलो आप टीवी पे पहुंचो मैं आपको शायरी देता हूँ। उसके मैंने शेर लिखा था कि दर्पण में सवरने की तुम भूल न कर जाना, हरभजन सिंह से, हरभजन सिंह के ऊपर उन्होंने मेरे से शेर लिखवाया था। देखिए जहां तक पेमेंट का सवाल है तो मैंने कभी उनसे लिया नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे जब मैं इनसे मिला था, और मुझे मिलवाने वाले स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जयदेव साहब छत्तीसगढ़ के जो राजा थे, उन्होंने इनसे मेरी मुलाकात करवाई। क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इनका सम्मान करता था, और ये हिंदुस्तान की सेलिब्रिटी थे और शायरियों का दौर सिलसिला चलता रहा, और मैंने कोई आज तक इनसे पेमेंट ली नहीं है ना उन्होंने कभी मुझे दी है। हाँ कभी भी ये स्थिरता वाला व्यक्ति नहीं है, न विश्वसनीय व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में इनसे मेरा काफी बिल्कुल नजदीक रिश्ता रहा, दिन भर में कभी आईपीएल में इनको मैंने क्रिकेट में शायरी सिखाई, मैंने कहा शायरी पढ़ो आप लाफ्टर शो में शायरी पढ़ो, पहले ये 50-50, 100-100 किताबें लेके घूमा करता था एक बैग लेके, फिर मैं जब गया तो मैंने सिचुएशन की शायरी लिखकर इनको दी। और जहां तक मेरा 11 साल का जो अनुभव कहता है कि ये संतोषी आदमी नहीं है, इसको मन में कभी भी संतोष नहीं रहा, नंबर वन। नंबर दो, इसको गुस्सा बहुत आता है और अहंकार बहुत ज्यादा है इसके पास, जिसको कंट्रोल करने के लिए ध्यान का सहारा तो लेता है लेकिन पूरा
अभी तक कामयाब हुआ ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। देखिए, ये हमारे लिए भारत की राजनीति में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जैसा आदमी राजनीति में है। ये महिलाओं के प्रति कभी सम्मानजनक बातें करता ही नहीं है, कभी किसी को मुन्नी कह देता है, कभी शीला की जवानी कह देता है, कभी कहता है कि कोई आवत है, कोई जावत है, बाकी सब मल्लिका शेरावत है, और कभी इसने राहुल गांधी को भी पप्पू कह दिया, कभी किसी का मजाक उड़ा लेता है, कभी लालू जी का मजाक उड़ाता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमको तो यार कभी ऐसा सिखाया नहीं गया कि किसी का अपमान करो। महिलाओं के प्रति इनके दिल में कभी कोई सम्मान नहीं है। अभी देखिए ना, आप किसी को कई कह दिया, कभी कौशल्या कह दिया, इसको खुद को पता नहीं होता। सर काट के कर दीजिए सिद्धू के हवाले, सर काट के कर दीजिए सिद्धू के हवाले, हंस हंस के कह रहे हैं मेरे जख्मों के शाले। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा ना, तो मेरे को ये शेर याद आ गया, लेकिन ये तो मैंने बहुत पहले भेज चुका हूँ इनको, कि सर काट के कर दीजिए सिद्धू के हवाले, हंस हंस के कह रहे हैं मेरे जख्मों के शाले। मैं अमानत हूँ गरीबों की बचाले मेरे नानक, मैं अमानत हूँ गरीबों की बचाले मेरे नानक, सिद्धू की तरह कोई मुझे बेच न डाले, सिद्धू की तरह कोई मुझे बेच न डाले।